आज मैं आपके लिए ऐसा एक बेहतरीन अमल बताने जा रहा हूँ जिससे इंशाअल्लाह आप बहुत फायदा हासिल कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी दुश्वारी हो, इंसान किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो या किसी बीमारी की वजह से वो परेशान है, तो ये वीडियो आप देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं, किसी मुश्किल में घिरे हुए हैं, या आपके घर में से कोई बीमार है, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, अल्लाह सबको महफूज रखे, अगर कोई बीमार परेशान है तो मैं उसके लिए बताता हूँ एक बहुत बेहतरीन अमल। पहली बात तो ये है कि बंदा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे कि या अल्लाह मुझसे जो खताएं सरजद हुई हैं तू ने मुआफ़ फरमा, क्योंकि हम तो इतने नेक नहीं कि हमारे इम्तिहानों अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बदआमालियों की वजह से हम मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं। हमें चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। तौबा अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है, पसंद है। और एक सदका करें। सदका क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सदका करो अगरचे एक खजूर ही सही। अगर आप पर बहुत कुछ नहीं है देने के लिए तो किसी गरीब मिस्कीन मुस्तहिक के लिए सिर्फ एक खजूर ही दे दो, क्योंकि जब बंदा सदका देता है तो ये बुलंद होता है, और जब कोई मुसीबत नाजिल हो रही होती है तो सदका बीच में आ जाता है, सदका उस पर गालिब आ जाता है और वो मुश्किल टल जाती है। और ये बात हाँ गौर से सुने, जो मैं अमल आपको और बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कुरान अजीम में जो 14 सजदे हैं, हर आयते सजदा के लिए वो पढ़े, पहले पढ़ ले 14 आयतें जो हैं कुरान अजीम में, जहाँ जहाँ सजदा है। पहला सजदा तो नबी पारी के फौन पर है, और आप सब जगह देख लें, और हर आयते सजदा के लिए पढ़ें, और पढ़कर आप 14 सजदे लगाएं। 14 सजदे लगाने के बाद आप सिद्क दिल से दुआ करें, अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी मुश्किल के लिए हल फरमा देगा। और इस बात का ख्याल रखें कि आप तौबा इस्तिग़फ़ार ज़रूर करें। अगर आपने किसी का हक मारा है तो वो हक उसका उस तक पहुँचाएँ। अगर किसी का दिल दुखाया है तो आप उससे मुआफ़ी मांग लें और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। इंशाअल्लाह 90% बल्कि 100% अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। अच्छी नीयत रखें और इंशाअल्लाह ये अमल आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये अमल मेरा आजमाया हुआ अमल है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।